संकल्प पत्र का जो अभियान बहुत बढ़िया अभियान जनता के बीच में जाएंगे, सुझाव पेटिका रखेंगे, वहाँ से जो सुझाव आएंगे उन पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देश में लोकसभा का चुनाव निकट है, कुछ दिनों के अंदर ही लोकसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग करेगा। भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही मानती है कि हम जो भी संकल्प पत्र अपने चुनाव में आगामी सरकार की रूपरेखा को तय करने के लिए जारी करेंगे वो जनभावनाओं के अनुरूप होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत संकल्प की व्यवस्था जो देश के सामने रखी है, विकसित भारत संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए हम देश की जनता के समक्ष उनके सुझाव मांगने के लिए पेटिकाएं रख रहे हैं। उसके अंतर्गत में लखनऊ लोकसभा में भी जो कि माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का क्षेत्र है, लखनऊ लोकसभा में भी सभी विधानसभाओं में या प्रमुख स्थानों पर सुझाव पेटिका रख करके और जनता के बीच में सुझाव मांगने के लिए जाएंगे। आज सुझाव पेटिका रखे जाने का पहला दिन है, यानी आज प्रारंभ हो रहा है। ऐसे अवसर पर मैं लखनऊ लोकसभा के सभी मतदाताओं से, भाई बहनों से अपील करते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा के चुनाव में जो संकल्प पत्र जारी करेगी उसके लिए अपने सुझाव में आपके अनुसार कौन कौन से ऐसे बिंदु हो सकते हैं जो संकल्प पत्र में शामिल किए जाए, समाहित किए जाए, विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे सभी सुझावों का भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय कार्यालय स्वागत करते हैं और जब आपके सुझाव के अनुसार संकल्प पत्र तैयार होगा तो देश के पैमाने पर उन सुझावों को संकल्प पत्र के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लागू करने का भी काम करेगी। इन सुझावों को लेने के लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, लखनऊ लोकसभा के लोकप्रिय सांसद देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। माननीय मोदी जी की जो संकल्पना है उसके अनुसार हम सब संकल्प पत्र को तैयार करेंगे, सुझाव जनता के बीच में एकत्र करेंगे और जनता के सुझावों पर हमारी सरकार काम करेगी। इन विगत 10 वर्षों में देश दुनिया के पैमाने पर आगे बढ़ा है। जो 10 वर्ष पहले 2014 से पहले दुनिया में भारत की चर्चा नहीं होती, आज भारत सबसे ताकतवर देश बनकर के उभरा है। चाहे डिफेंस सेक्टर में हो, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे विद्युत उत्पादन में हो, चाहे कौशल विकास में हो, चाहे अपने नवाचारों के माध्यम से दुनिया के पैमाने पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। कोरोना महामारी के काल में तो भारत ने दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो अपने लखनऊ लोकसभा की आम जनता से, जनमानस से अपील करते हैं कि सभी लोग अपने सुझाव पेटिका के माध्यम से सुझाव प्रस्तुत करें। भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में आपके सुझावों का स्वागत करती है, उनको जोड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने पत्रकार मित्रों का हृदय से आभार प्रकट करते हैं, विशेष आभार प्रकट करते हैं अपने नगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी का, महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी का, पूर्व महानगर अध्यक्ष आदरणीय मुकेश जी का, रमेश तूफानी जी का, वरिष्ठ नेता अपने मान सिंह जी का, अंजनी श्रीवास्तव जी का, पूर्व महानगर के अध्यक्ष आदरणीय मनोहर सिंह जी का,
और युवा नेता जो लखनऊ में प्रतिदिन आम जनमानस के लिए अपने आप को समर्पित भाव से काम करते आदरणीय नीरज भैया का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लखनऊ पूरी महानगर कमेटी का आभार प्रकट करता हूं, अपने विजय जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने बहुत बेहतर संयोजन से इस कार्यक्रम को व्यवस्थित किया। अपने प्रवीण जी का आभार प्रकट करता हूं, उपस्थित सभी हमारे सतीश अडवाणी जी वरिष्ठ नेता हैं, सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, निगम साहब का आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या सुझाव दे रहे हैं सर? हाथ आ रहा मेरे भाई, इधर देखिए भैया 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 भाई, आगे किसका कैमरा डाउन करो, हल्का कैमरा नीचे करो। नीरज भैया आप भी जी, धन्यवाद छोड़ दे जी सर। भैया कैमरे